Hello friends, welcome to my channel. In today's video we will learn Ind AS 36 जो हमें बताएगा impairment of assets के बारे में. तो पहले स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ impairment, यानी impairment का मतलब क्या होता है. डिक्शनरी मीनिंग है impairment का वीकनिंग इन द वैल्यू ऑफ एसेट, यानी जब भी किसी एसेट की वैल्यू वीक होने लगती है उस टर्म को कहा जाता है impairment. अब अकॉर्डिंग टू Ind AS 36 में क्या कहा गया है, एसेट इज सेट टू बी इम्पेयर्ड. किसी भी एसेट को तब कहा जाएगा कि वो इम्पेयर्ड है जब उसका कैरिंग अमाउंट ज़्यादा हो जाए उसके रिकवरेबल अमाउंट से. जैसे ही उसका कैरिंग अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा रिकवरेबल अमाउंट से कह दिया जाएगा कि वो एसेट इम्पेयर्ड है. अब कैरिंग अमाउंट और रिकवरेबल अमाउंट का मतलब क्या होता है. कैरिंग अमाउंट का मतलब होता है कॉस्ट, जो भी उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट है जिस पे भी एसेट हमने रिकॉर्ड की थी, लेस करेंगे कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, या फिर इन केस ऑफ इंटेंजिबल एसेट एक्यूमुलेटेड एमोर्टाइजेशन, उसको लेस कर दिया. देन वी हैव टू लेस एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस. अगर कोई और इम्पेयरमेंट लॉस है एक्यूमुलेटेड उसको भी हम लेस करेंगे, देन हमारा आ जाएगा कैरिंग अमाउंट. तो ये कैरिंग अमाउंट का मतलब था. अब बात करते हैं रिकवरेबल अमाउंट क्या होता है. अब एसेट के दो काम होते हैं, या तो अगर हम उसे यूज़ करें यानी वैल्यू इन यूज़, या तो हमें उसे सेल करना यानी फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल. अब रिकवरेबल अमाउंट कैसे निकालेंगे, वैल्यू इन यूज़ या फेयर वैल्यू अगर हम सेल कर रहे हैं तो कॉस्ट टू सेल कुछ भी लग सकती है, ब्रोकरेज या कुछ भी कॉस्ट टू सेल जो भी है वो लेस करके जो भी हमें मिलेगा, विच एवर इज़ हायर, इन दोनों टर्म में से जो भी हायर होगा वो हम ले लेंगे एज अ रिकवरेबल अमाउंट. वैल्यू इन यूज़ और फेयर वैल्यू को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे. अभी अभी के लिए ये समझ लीजिए ये दो टर्म है, एक है वैल्यू इन यूज़, दूसरा है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल. विच एवर इज़ हायर इज ट्रीटेड एज रिकवरेबल अमाउंट. अब बात करते हैं कि नॉन एप्लीकेबिलिटी, यानी कौन कौन सी चीज़ें इस पे एप्लीकेबल नहीं होगी. पहला इन्वेंट्रीज, बिकॉज इन्वेंट्रीज के लिए Ind AS 2 है. सेकंड डेफर्ड टैक्स एसेट जिसके लिए Ind AS 12 है. एसेट अराइजिंग फ्रॉम एम्प्लॉय बेनिफिट, प्लान एसेट्स भी कहते हैं इसे, जिसके लिए Ind AS 19 है. तो इन सब के लिए कोई ना कोई Ind AS दे रखा है तो इसीलिए इस पे ये Ind AS एप्लीकेबल नहीं होगा. बायोलॉजिकल एसेट मेजर्ड एट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, डेट इज Ind AS 41. इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स Ind AS 104. नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल, उसके लिए Ind AS है 105. फाइनेंशियल एसेट्स के लिए Ind AS 109. कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स Ind AS 115. तो ये टोटल 8 टर्म्स मैंने आपको बताई जिसपे ये वाला Ind AS 36 इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट एप्लीकेबल नहीं होता. चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे. अब जो मैंने दो टर्म्स बताई थी आपको, पहला वैल्यू इन यूज़, दूसरा फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, तो वो जो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल था उसका हम डिटेल में मीनिंग समझते हैं. फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, इसका इट मीन्स नेट सेलिंग प्राइस ऑफ द एसेट इफ़ एसेट इज़ डिस्पोज्ड. यानी कोई भी एसेट अगर बिजनेस में काम में नहीं आ रहा है हमें उसको डिस्पोज करना है. डिस्पोज करने के लिए हमें कुछ कॉस्ट टू सेल लगानी पड़ेगी, लाइक ब्रोकरेज या किसी भी तरह की कमीशन या कुछ भी हो सकता है. जो भी हमने कॉस्ट इंकर की है उस एसेट को बेचने के लिए उस चीज़ को कहा जाता है कॉस्ट टू सेल. सो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल इज नोन एज नेट सेलिंग प्राइस. फेयर वैल्यू विल बी आइडेंटिफाइड एज फॉलो. अब ये फॉर्मूला तो बन गया फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, बट हाउ कैन वी डिटरमाइन द फेयर वैल्यू. तो फेयर वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए पहला बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट, यानी जो भी सेल एग्रीमेंट है उसमें जो भी कॉस्ट आई है. सेकंड एक्टिव मार्केट प्राइस, यानी मार्केट में जो भी करंट मार्केट प्राइस चल रही है. थर्ड एक्सपर्ट ओपिनियन या मैनेजमेंट का एस्टिमेट भी हम ले सकते हैं. तो ये तीन थे. सबसे पहले हमारा प्रेफरेंस रहेगा सेल एग्रीमेंट, दूसरा हमारा प्रेफरेंस रहेगा एक्टिव मार्केट प्राइस, थर्ड प्रेफरेंस एक्सपर्ट ओपिनियन या मैनेजमेंट का एस्टीमेट. अब एक छोटा सा नोट है, बट
इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोट, बिकॉज कई सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन में ये गलती कर देते हैं। जो वैल्यूएशन फीस या इनकम टैक्स एक्सपेंसेस या फाइनेंशियल एक्सपेंसेस आर नॉट कंसिडर्ड एज कॉस्ट टू सेल, ये सारे एक्सपेंसेस कॉस्ट टू सेल में नहीं आएंगे, बिकॉज इट वैल्यूएशन एक्सपेंस, इनकम टैक्स एक्सपेंस, इट इज़ नॉट कॉस्ट, इट इज़ जस्ट एक्सपेंस, बट इट इज़ नॉट फॉर इंक्रीइंग टू फैसिलिटेट द सेल, इसके कारण इसे हम कॉस्ट टू सेल में कंसिडर नहीं करते। अब रिकवरेबल अमाउंट में हमने क्या पढ़ा था, वैल्यू इन यूज सेकेंड पॉइंट था, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल विच एवर इज हायर। अब फेयर वैल्यू क्या होता है, कॉस्ट टू सेल हम लेस करते हैं, ये सब हमने पढ़ लिया। अब बचा क्या, वैल्यू इन यूज। अब वैल्यू इन यूज को डिटेल में समझते हैं। सो वैल्यू इन यूज, लेट्स स्टार्ट वैल्यू इन यूज। वैल्यू इन यूज मीन्स प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज फ्रॉम यूज ऑफ एसेट एंड इट्स डिस्पोजेबल वैल्यू, डिस्पोजल वैल्यू। इसका मतलब है एक जो भी एसेट है कंपनी में, फॉर एग्जांपल एक मशीन है, अब वो मशीन से क्या होगा, फ्यूचर में कैश फ्लोज जनरेट होगा, तभी तो वो मशीन को रखा है उस फैक्ट्री में या कंपनी में। अब उससे जो भी फ्यूचर कैश फ्लोज जनरेट होंगे एंड उस फ्यूचर कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू प्लस उसकी जो भी डिस्पोजेबल वैल्यू है, जो भी 5 साल 10 साल मशीन की लाइफ है, उसके बाद जो उसकी डिस्पोजल वैल्यू मिलेगी उसको, और जो जितने भी फ्यूचर कैश फ्लोज है उनकी प्रेजेंट वैल्यू को कहा जाएगा वैल्यू इन यूज़। अब वैल्यू इन यूज़ रियल लाइफ में कैसे कैलकुलेट करते हैं वो समझते हैं। एग्ज़ाम के लिए आपके लिए इतना ही एप्लीकेबल है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको दे रखा होगा फ्यूचर कैश फ्लोज, आपको सिर्फ उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है और उसकी डिस्पोजल वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, आपका आ जाएगा वैल्यू इन यूज़। सो एग्ज़ाम के लिए इतना ही, बट इन रियल लाइफ वैल्यू इन यूज़ को कैसे कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, कैश फ्लो शुड बी कंसिडर्ड फॉर अ पीरियड अप टू 5 ईयर्स अनलेस हायर पीरियड इन जस्टिफाइड। यानी जितने भी कैश फ्लोज मैंने बताया आपको, फ्यूचर के कैश फ्लोज जितने भी हम लेंगे अप टू 5 ईयर्स के लेने चाहिए हमें, बट अगर हायर पीरियड को जस्टिफाइड कर रखा है, यानी जस्टिफिकेशन कुछ दे रखा है, देन वी कैन टेक मोर देन 5 ईयर्स, बट इन जनरल वी हैव टू कंसिडर अप टू 5 ईयर्स। सेकेंड पॉइंट इज कैश फ्लो ग्रोथ रेट। जो भी कैश फ्लो, जैसे फर्स्ट ईयर में कितना कैश फ्लो आया, सेकेंड ईयर में कितना आया, तो इसकी जो ग्रोथ रेट होगी अप टू 5 ईयर्स एक्सीड नहीं करनी चाहिए बिजनेस ग्रोथ रेट एट प्रेजेंट। यानी बिजनेस की जो ग्रोथ रेट है उससे एक्सीड नहीं करनी चाहिए कैश फ्लोज की ग्रोथ रेट। तो ये सेकेंड पॉइंट था। अब थर्ड पॉइंट में क्या कहा गया, कैश फ्लो ग्रोथ रेट बियॉन्ड 5 ईयर्स, यानी 5 साल तक तो हमें बिजनेस ग्रोथ रेट को ध्यान रखना है, उससे ज़्यादा नहीं लेनी है ग्रोथ, बट आफ्टर 5 ईयर्स यानी बियॉन्ड 5 ईयर्स द ग्रोथ रेट शुड नॉट एक्सीड नॉट बिजनेस ग्रोथ रेट, इट इज़ इंडस्ट्री ग्रोथ रेट। यानी उस पूरी इंडस्ट्री में जितनी भी ग्रोथ चल रही है, फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल सेक्टर की इंडस्ट्री है, उसकी ग्रोथ रेट उससे एक्सीड नहीं करनी चाहिए बियॉन्ड 5 ईयर्स। यानी 5 साल तक जो ग्रोथ रेट लेंगे हम, हमें ध्यान रखना है कि बिजनेस की ग्रोथ रेट से एक्सीड नहीं होए। सेकंड, 5 साल से ज़्यादा अगर हम ग्रोथ रेट ले रहे हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट से एक्सीड नहीं होनी चाहिए। सो ये दो पॉइंट समझ में आ गए। और फर्स्ट तो आसान ही था कि 5 साल तक लेना है, अगर जस्टिफिकेशन दे रखा है कुछ कि हायर पीरियड ले सकते हैं, देन वी कैन टेक हायर पीरियड ऑल्सो। फोर्थ एंड द लास्ट पॉइंट इज डिस्काउंट रेट शुड बी प्री टैक्स डिस्काउंट रेट एज पर कैपिटल एसेट प्राइजिंग मॉडल CAPM। कैपिटल एसेट प्राइजिंग मॉडल के बारे में मैंने एक वीडियो बना रखी है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप चेक कर सकते हैं। CAPM का फॉर्मूला होता है रिस्क फ्री प्लस बीटा ब्रैकेट में रिटर्न ऑफ मार्केट माइनस रिटर्न ऑफ जो भी वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज, रिस्क फ्री रिटर्न जो भी होता है वो। सो सिंपल सा फॉर्मूला है इसका, ये डिटेल में मैं बताऊंगा नहीं बिकॉज आई हैव ऑलरेडी मेड वीडियो ऑन डैट। नेक्स्ट पॉइंट, इफ़ कैश फ्लो आर इन फॉरेन करेंसी, जो कैश फ्लोज दे रखे हैं वो फॉरेन करेंसी में, देन वैल्यू इन यूज शुड बी कैलकुलेटेड इन फॉरेन करेंसी एंड देन कन्वर्टेड इन टू INR यूजिंग एक्सचेंज रेट। पहले हमें निकालना है उसको फॉरेन करेंसी में वैल्यू इन यूज, देन वी कैन कन्वर्ट इन टू INR यानी इंडियन रुपीस यूजिंग एक्सचेंज रेट।
नोट जो मैंने आपको पहले भी बता दिया, फॉर एग्जाम पर्पस कंसिडर ऑल कैश फ्लोज बियॉन्ड 5 ईयर ऑल्सो इर रिस्पेक्टिव ऑफ ग्रोथ रेट। एग्जाम में आपको ग्रोथ रेट का कुछ ध्यान नहीं देना है, बिकॉज ग्रोथ रेट वगैरह कुछ देर नहीं रखी होगी एग्जाम में, आपको सिर्फ दे रखा होगा फ्यूचर कैश फ्लोज। आपको सिंपल सा डिस्काउंटिंग रेट दे रखी होगी, आपको फ्यूचर के कैश फ्लोज का प्रेजेंट वैल्यू निकालना है बाय यूजिंग डिस्काउंट रेट, एंड जो भी डिस्पोजेबल वैल्यू है, जो भी सेल्वेज वैल्यू है, उसको प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना होगा। देन वी कैन टेक वैल्यू इन यूज़, एंड फॉर कैलकुलेटिंग रिकवरेबल अमाउंट वी हैव टू कैलकुलेट नेट सेलिंग प्राइस, डेट इज़ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। तो वो जो नेट सेलिंग प्राइस आएगी उसको, एंड वैल्यू इन यूज़ विच एवर इज़ हायर इट कंसिडर्ड एज रिकवरेबल अमाउंट। सो सिंपल सा पॉइंट था।